बेसन की पकौड़ी के लिए हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसमें लहसुन, पान मेथी, मिर्च, हींग, अजवाइन और धनिया पत्ती डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। आलू के स्लाइस काट के तैयार रखे करेंगे और प्याज के भी स्लाइस काट के रखेंगे। ये हम पकौड़ी बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे। दो तीन और बना दूँ।